हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था ग्रेवी वाले मोमोज खाने का, एंड जो बेस्ट मोमोज ग्रेवी वाले मिलते हैं ना वो मिलते हैं दिल्ली में। तो भाई हाफ़ प्लेट मोमोज खाने के लिए मैं दिल्ली तो जा नहीं सकती। फिर मैंने सोचा कि मैं करूँ क्या, बहुत देर अपना दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं इस रेसिपी को घर पर ही रिक्रिएट करूँ, जिससे मैं भी इसको बना सकूँ आप भी बना सको। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर लिया मैंने पैन में ऑयल और मैंने लिए हैं 5 मोमोज, जिसको हम जस्ट शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। सो गोल्डन ब्राउन मोमोज हो गए, अब हम इसको साइड में रख देंगे। अगेन पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, साथ में ऐड करेंगे फाइन चॉप अनियन, मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन यूज़ किया है। एंड देन इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देन ऐड कर देंगे कैप्सिकम, अगर आपके पास कलरफुल बेल पेपर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। देन जाएगा 1 टेबल स्पून पिज्ज़ा सॉस, 1 टेबल स्पून मेयोनीज़, एंड दोनों चीज़ों का हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स मिक्स मिक्स। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप शेजवान चटनी या फिर जो मोमोज़ की चटनी होती है उसको भी ऐड कर सकते हो। अब ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑफ मिल्क, बिकॉज़ हम ग्रेवी मोमोज़ बना रहे हैं तो इसलिए ग्रेवी बनाने के लिए मैंने मिल्क का यूज़ किया है। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। देन ऐड कर देंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड लिड कवर करके हम इसको जस्ट फॉर 2 मिनट्स कुक कर लेंगे, जिससे जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। सो आफ्टर 2 मिनट्स हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है, एंड आप देख सकते हो कितने अच्छे से कुक हो गई है। सो अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राइड मोमोज़, एंड अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है कि जो हमारी ग्रेवी है मोमोज़ पे अच्छे से कोट हो जाए, एंड हमारे सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी दिल्ली स्टाइल ग्रेवी मोमोज़ बन के रेडी हैं। सो ज़रूर ट्राई करना, यू विल लव इट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।